اللهم احيني مسكينا اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشر لي في زمرة المساكين अल्लाह जिंदा रखे ते मिस्कीन बना के रखिए सोने अपने कोल बुलाए ते मिस्कीन बना के बुलाए ते मालिक कयामत नू उठाए ते मिस्कीना दी साफ विचों उठाए फिकर दुनिया दुनिया दी हसीयत ही कोई नहीं। हजरत उमर फरमांदे ने नबी अली सलाम दे हुजरा पाक च गया एक सुक्का जिहा मशकीजा लटक रहा ते एंज खजूर दे पत्ते मोटे मोटे उन्हां दी चटाई जमीन ते बिछीए ते कायनात दे इमाम अलैहि सलाम लेटे ने मेरे नबी दा रेशम नालो नरम जिसम ओदे ते चटाई दे मोटे मोटे निशान बन गए ने। उमर दियां अखां चो आंसू जे चमक उठे सोहणियो कैसर ते किसरा बेईमान अल्लाह दे दुश्मन महबूब तुसी सारी कायनात दे इमाम हो लेट दे उते जिसम मुबारक ते चटाई दे दाग बन जांदे ने ते नबी पाक दा जवाब पता की दे मैं आते दुनिया सीर नहीं कोई असी रब दी रजा ते राजी हैं उन्हां नू माल दुनिया लब गया सानू जन्नता रब ने अता फरमा दितिया ने मैं आते दुनिया सीर नहीं कोई ए खुद हजरत फरमाया ए दुनिया रहन मिसाल है इवें जिवे राह विच रुख दा साया साहेठ लवे दम राही ते हो जा फिर रवाना इस दम कारण कद कोई आकिल ते तलब करे समयाना फरमान देने उमर अल्लाह दे नजदीक इना दौलतां दी मच्छर दे पर दे बराबर भी कोई कदरों कीमत हुंदी ते दुनिया ते अल्लाह किसे काफर नूं पानी दा घुट भी नसीब ना कर दे। आ जिन्ना दौलतां पिछे असा दिन रात एक कीता ना ना हलाल दी परवाह ना हराम दी परवाह ना चोरी दा माल ना डाके दा माल आना चाहिदा रिश्वत दा आ जाए चोरी दा आ जाए डाके दा आ जाए माड़ियां दा आ जाए गरीबां दा आ जाए ते करने आ उन्हां औलादां वास्ते ओ जी मर जाना औलादां वास्ते कोई चार टके ते बंदा छड़ जाए छड़ने चाहिदे ने पर हलाल दे छड़ने चाहिदे। इन्हां औलादां पिछे इन्ने पापड़ वेलने आ कि साडे मरण तो बाद पता नहीं किसी ने कोई चार हरफ दुआ दे भी कहने ने कि नहीं भैणा दे हक ते बेटियां दे हक खा जाने आ बाप मरण तो पहला सारा कुछ पुत्र दे नाल आ गया कि मेरे मरण तो बाद किते धी नूं हिस्सा ना लभ जाए वेखी पुत्रां दी मुहब्बत अंदर किते अपनी कबर ना काली कर ले बेटी नूं किते हिस्सा ना मिल जाए और उन्होंने बच्चों वास्ते मैं एक वाकया पढ़िया मौली अब्दुस्तार एदी साडे मुलक दा बड़ा मारूफ आदमी सी उन्हों इंटरव्यू देंदे एंकर ने पूछा सवाल किया कि जनाब तुसी बड़े जनाजे पढ़े पढ़ाए ने लाशा उठांदे हो कफन देंदे हो दफन करदे हो जनाजे पढ़ाते हो गुसल देंदे हो कटियां फटियां लाशां कदी तरस भी आया जे किसे दे कदी किसे लाश नूं वेख के रोना भी आया जे तरस भी आया जे कहन लगा कदी नहीं आया ना कदी तरस आया ना कदी रोन आया कटियां फटियां लाशां असीं दफन करने आ
एक लाश नू वेखे है, तरस भी आया ते मेरी अखां चो आंसू भी आए। और वो कटिया फटिया लाशा नहीं सी, कहन लगा सानू एक फोन आया कि फलां बंगले दे सामने एक लाश है, मैयत है, उन्हों उठा लो, उन्हों दफन करो, गुसल दियो। आंदा असी आए चार पाई ते मुर्दा पिया, आला किस्म दा सूट पाया, बेहतरीन उत्ते चादर, ते सामने गड्डी दे अंदर कुछ लोग बैठे ने। असी करीब गया, एक नौजवान जल्दी ना गड्डी चो बाहर निकलिया, एक पैसे वाला लिफाफा उन्हें मैनु थमाया, कहन लगा आ लो एदा खर्चा ते इनू जरा अच्छे तरीके नाल गुसल दे आ जे, आला किस्म दा कफन पहनाया जे, अच्छे तरीके नाल दी तदफीन करे आ जे। गड्डी दे विचों एक दूसरे दी आवाज आई, उन्हें आख्या ओए इत्थे ही वाजा करन लग पे है। बहुत ही लंबी तकरीर शुरू कर दी, जहाज निकल जाएगा, फ्लैट मिस हो जाएगी। आंदा ओ नौजवान गड्डी च बैठन लगा, मैं उहदे कोलों सवाल कीता, ए कौन है ते तू कौन है? कहन लगा जी ए मेरा बाप है ते मैं इहदा बेटा वां, फौत हो गया, साडियां टिकटां कन्फर्म होईयां सन, ते सानू खतरा जहाज ना निकल जाए। मैं इहदा बेटा वां जिन्नू इहदे जनाजे नू कंधा देना भी नसीब नहीं होया। इन्ना औलादा पिछे पापड़ वेलने, इन्ना औलादा पिछे दूसरिया के हक खाने, इन्ना बेटिया पिछे इनिया अल्लाह दिया नाफरमानिया करने। मेरे भाई मेरे बरादर, कबर अपनी विच आपे ही अमाल नेक ने या बुरे ने, उन्हां बुरिया चंगिया अमलों ने साडे काम आउणा। ते आइए खां निरा दुनिया दा माल इकट्ठा करन वास्ते कदम कदम ते अल्लाह दियां नाफरमानियां छड़िए, क्योंकि रब्बुल आलमीन दे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया अपने नालों ज्यादा अपने मुसलमान भाई नूं तरजीह दित्ती जाए। सारे घरां चों पता करवाया, एक बंदे दी रोटी लभी। हुण नबी अली सलाम ने सहाबा नूं मुखातब फरमाया, फरमांदे ने कौन है जेड़ा आज मेरे मेहमान नु खाना खिलाएगा? हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर मैं खाना खिलावांगा। मेहमान नु नाल लिया, घर चले गया। हालात ते पता नहीं सी, घर कुछ है भी है कि नहीं। बीवी नु जा पुछया वो खान पीन वास्ते, कहन लगी थोड़ा जा खाना है, तुसा भी मैं भी बच्चे भी भुखे ने। फरमान लगे इंज कर, अज बाला नु प्यार पोचे नाल भुखे ही सुआ दे।